रीवा में गायों की लगातार हो रही मौत ने प्रशासन और गायों की रक्षा करने वाले जनप्रतिनिधियों की पोल खोल कर रख दी है। सिमरिया स्थित बसामन मामा गोवंश वन विहार में भोजन पानी के लिए पशु तड़प रहे हैं, लेकिन ना तो स्थानीय विधायक को इसकी फिक्र है और ना ही प्रशासन कुछ कर पा रहा है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के क्षेत्र बासामन मामा में बनी गौशाला में गाय और बछड़ों की लगातार मौत हो रही है। सरकार के द्वारा गायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी देखभाल के लिए कई फैसले लिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयान कर रही है। सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत संचालित बासामन मामा गौवंश वन विहार में भोजन पानी के लिए पशु तड़प रहे हैं। रख रखाव और स्वास्थ्य परीक्षण के अभाव में आए दिन गाय बछड़ों के मरने की खबरें अब सामान्य सी घटना हो गई हैं। गौरतलब है कि सिमरिया क्षेत्र में कई गौशालाएँ हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्थापक द्वारा इन गौशालाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे चारे और पानी का संकट पैदा हो गया है, जिस कारण पशु दम तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य परीक्षण तो दूर, गौशाला में मृत पड़े जानवरों को भी वहां से हटाना तक यहां के व्यवस्थापक उचित नहीं समझते। देखिए, बसामन मामा गौशाला वन विहार जो बनाया गया है, उसमें हजारों की तादाद में गाय वहां रह रही हैं। तो वर्तमान में आज की जो घटना और आपको वीडियो आपके सामने है, उस वीडियो को देखने से पूर्णतः प्रमाणित होता है कि विगत कई दिनों से वहाँ मृत जीव पड़े हुए हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था या रख रखाव जैसी व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं हैं। वहाँ के व्यवस्थापक, वहाँ के संचालनकर्ता, जिसके कंधों पर सिमरिया गौशाला की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया, तो हज़ारों की तादाद में जो गायें हैं वो गायें खुले में घूम रही हैं। उनका भरण पोषण, उनके प्रति भोजन की व्यवस्था इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है। जब गौशाला के अंदर प्रवेश किया गया तो गौशाला के अंदर देखा गया कि कई दिनों से मृत जीव पड़े हुए हैं, गाय छोटे छोटे बछड़े मृत पड़े हैं। तो उसे भी यह प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य महकमा वहाँ नहीं पहुँचा, और साथ में जब जीव गाय बछड़े मृत हो गए तो वहाँ से हटाया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।